सब लोग मिलके एडिशनल एसपी साहब को नुमाइंदगी करे कि साहब एक एमपी होते हुए स्वयं बापूराव साहब किसी का सर काटते हो बोल के बोल रहे, ये कानून के खिलाफ बात है, लाइन ऑर्डर हाथ में लेने की बात है। अगर कानून के हिसाब से इन पे अगर एक्शन लिया जाए तो बेहतर है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना आपका काम है बोल के हमारी तरफ से एक नुमाइंदगी करे। साथ ही साथ और एक नुमाइंदगी ये करे कि हमारे जो आदिवासी बहनें हैं, शायद उनको कोई सता रहे होंगे, चाहे मुस्लिम बच्चे हो या फिर कोई और कम्युनिटी के बच्चे हो, अगर उनको कोई सता रहे होंगे या उन्हें पुलिस स्टेशन तक नहीं आ सक रहे होंगे तो आप इंक्वायरी करके उन पे केस कराइए, उन बच्चियों को प्रोटेक्शन दिलाइए। तो इसके जवाब में मेरे को एडिशनल एसपी साहब ये बोले कि साजिद खान साहब आप पिटीशन देने की क्या जरूरत है, अगर आदिवासियों के बच्चियों को अगर कोई छेड़ रहे या सता रहे तो हमको तो आज तक कोई एक पिटीशन नहीं आया, ना कोई हमको लीडर आके पिटीशन दिए, ना तो कोई बच्चियां दिए, ना उनके माँ बाप दिए। तो जब हमारे पास कोई पिटीशन ही नहीं आया, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट में इंसिडेंट ही नहीं हुआ, तो आप किसके नाम पे पिटीशन देना चाह रहे बोल के मुझसे सवाल करे। तो मैं प्रेस मीडिया के सामने हमारे आदिवासी भाइयों से गुजारिश करता हूं, अगर ऐसे कोई वाकये है आपके एजेंसी एरिया में, आपके बच्चियों को अगर कोई सता रहे है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते होंगे, कोई भी लीडर के रिश्तेदार होंगे, कोई भी पैसे वाले सेठ होंगे, कोई भी होंगे, आप एडिशनल एसपी साहब को और एसपी साहब को जो सो आप आके नुमाइंदगी करो, आकर उनको बताओ कि हमारी बच्चियों को ये तकलीफ है। क्योंकि आप नहीं बताने से या फिर स्वयं बापूराव साहब को बराबर नॉलेज नहीं रहने से ये वाकया हुआ, उन्होंने एक स्पीच दिए, उनको देख के और एक आदमी एक गलत स्पीच दिया, तो ये मामला यहीं स्टॉप करना चाहिए। और एक भी मैं जो सो कल एबीएन आंध्रा ज्योति चैनल में मैं देखा हूं, हमारे स्वयं बापूराव साहब कुछ बातें अच्छी बोले, कुछ बातें गलत भी बोले, फिर और एक स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि मैं पूरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता हूं, पूरे मुसलमानों को मैं नहीं बोला और गलत नहीं बोला, जो बच्चे कर रहे मैं उनको बोला बोल के उन्होंने स्टेटमेंट दिए। मैं उस बात से सहमत हूं, अगर कोई ऐसा कर रहे तो जो सो आप उनको बराबर सजा दीजिए, लेकिन एज ए एमपी होकर आप क्यों सर काटते, आपके हाथ में कानून है, आप पुलिस के पास जाइए, आप डीजीपी के पास जाइए, आप कानूनदान के पास जाना चाहिए। हम सब मिलकर आदिवासी हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हम मिलकर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, हमारे बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, हम साइंटिस्ट बनाएंगे, ना कि इस लड़ाई झगड़े में हम नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, हमारे पास सीसीआई बंद है, अपन बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, हमारे पास आदिलाबाद को हैदराबाद आर्मोर से रेलवे लाइन का काम रुके हुआ है, हम ये भी काम करेंगे। और एक मैं वैसे तो मुस्लिम होने के मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी मतपेदू बड़े हों दो या फिर कोई मुसलमान हों दो या कोई भी अगर सच्चा मुसलमान है तो किसी की माँ बहन को छेड़ो बोल के नहीं बोलता, और ये छेड़ना गलत है। अगर कोई छेड़ते हैं तो हम भी आपके साथ है, आप एक पिटीशन दिए तो 10 पिटीशन हम उस मुसलमान हों दो या किस कोई और कम्युनिटी का हों दो हम उसके साथ देंगे। इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि कोई ऐसा गलत काम करना, इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं एमपी साहब कि आप अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए, लेकर आप अमन और सुकून का पैगाम करना चाहिए। और मैं हमारे यूथ से भी फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कोई चीज प्लीज वायरल मत करिए, और कोई मुस्लिम या अदर कम्युनिटी ये लोग भी कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे उसको भी वायरल मत करिए, इमीडिएट डिलीट करिए। हम लोग मिलके हैं, मिलके रहेंगे, ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये हिंदुस्तान, ये तेलंगाना हमारा है और सुकून में है, गंगा जमुना तहजीब से हम लोग अच्छा जी रहे। कोई कुछ बोल दिया तो आप भी बुरा बोलना जरूरी नहीं है, आप ये चीजों को बंद करिए, बंद कर अगर किसी को भी कोई कम्युनिटी को अगर नुकसान हो रहा आप फौरन पुलिस के पास जाइए, आप पिटीशन दीजिए, पुलिस नहीं हमारी जज है, अपने पास प्रजाप्रतिनिधि है, सब लोग है, हम जाकर उनके पास जो सब अपनी पिटीशन देके अपनी बात मनवा सकते। और आज मैं सारे मीडिया के जोरे सारे हिंदुस्तान के और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं, ऐसे जो भी व्हाट्सएप पे
फेसबुक पे चीजें आते, इसको प्लीज वायरल मत करिए, इसको लेके पुलिस स्टेशन जाइए कि ये कौम में गलत हो रहा है, आप सबको बताकर नफरत फैलाने का काम मत करिए बोल के मैं गुजारिश करता हूं। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरे साथ आए सबका मैं शुक्रिया अदा करते हूं, अपनी बात खत्म। लेकिन ये मुसलमान के बच्चे को मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, हमारे आदिवासी के लड़के के पीछे गए तो तुम्हारा स्वयं अपना सिर करके बेच देता हूँ। मुसलमान के बच्चे लोग आज से गादीगुड़ा से स्वयं बोल रहा, आदिलाबाद जिले पूरा उम्मड़ी आदिलाबाद जिले के तीन जिले के माइनॉरिटी भाई लोगों को एक ही मैं विज्ञप्ति कर रहा हूँ, हमारे लड़के के पीछे मत गिरो, हम तुम्हारे पीछे गिरे तो मुश्किल होएगा, ये बंद करो नाटक।